नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी नाउडेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, काली वेपन के बारे में आपने शायद सुना होगा। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि काली एक लेज़र बीम वेपन है। तो क्या सच में काली एक लेज़र बीम वेपन है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन है जो कि बहुत ही कम समय में, लगभग 60 नैनो सेकेंड में, एक हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इतनी पावरफुल होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बस कुछ ही सेकेंड्स में खराब कर सकती है। दोस्तों, काली प्रोजेक्ट की नींव 1985 में डॉक्टर आर चिदम्बरम के द्वारा रखी गई, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे। 1989 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इस पर काम शुरू किया। बाद में DRDO ने भी काली प्रोजेक्ट की पावर को समझा और बार्क के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। टाइम के साथ साथ काली में काफी बदलाव आए। काली 80 के बाद काली 200 बना, फिर काली 1000, काली 5000 और अब काली 10000 पर भी काम चल रहा है। दोस्तों, जब काली प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो उनका मकसद कोई वेपन बनाना नहीं था, बल्कि कुछ रिसर्चेस में हेल्प के लिए काली को बनाया गया था। लेकिन बाद में जब DRDO ने काली की पावर को समझा तो बार्क के साथ मिलकर इसको एक सेल्फ डिफेंस के काम में आने वाले वेपन के रूप में बनाया गया। अब बात करते हैं कि काली काम कैसे करता है और इसका काम क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि एक सेल्फ डिफेंस वेपन है, तो अगर कभी कोई देश हमारे देश के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ता है तो ये काली वेपन एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम छोड़ेगा जो कि उस मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब करके उसको रास्ते में ही बर्बाद कर देगा। दोस्तों, कुछ लोग इसे लेजर बीम वेपन भी बता रहे हैं, लेकिन लेजर बीम वेपन जो होता है वो किसी भी मिसाइल में बोर करता है जिसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन काली सीधा मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब करके कुछ ही सेकंड्स में मिसाइल को बर्बाद कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इसमें बड़े बड़े वाटर फिल्ड कैपेसिटर लगे होते हैं जिनका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। जब ये कैपेसिटर्स एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और बाद में उस एनर्जी को एक साथ रिलीज करते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर सकती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि काली कोई लेजर बीम वेपन नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन है जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।